हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी, जो अलग स्टाइल में बनेगा। आप देखिए इसको, मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है। उसको मैंने आधा घंटा पहले दही, अदरक लहसुन पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक दे के मैरिनेट करके रखा है। उसके बाद इसके लिए आपको लगेगा पेस्ता, जो मैंने पहले से फ्राई करके रखा है, अदरक लहसुन और मिर्चा पेस्ट, ऑनियन जो मैंने स्लाइस करके काट के रखे हैं, और टमाटर जो मैंने पहले से इसको काट के रखे हैं। और इसके लिए आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे काजू 4 मगज और दिया है खुशखुश। और इसमें मैं अभी पेस्ता देके इसको पेस्ट बना लूँगी। और आपको चाहिए धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, और इसमें आप मिर्चा लेके पेस्ट बना लीजिएगा। इसमें मैं अभी पेस्ता ले लूँगी, इसको देखिए इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इसका पेस्ट रेडी हो गया है, अब इसको मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी इसके साथ। अच्छे से आप मैरिनेट कर लीजिए। हो गया ये मैरिनेट, अभी इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दीजिए। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल दीजिए। बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। ऑनियन जब तक ब्राउन हो रहा है इसको थोड़ा फ्राई कीजिए कुछ देर के लिए। मैं लहसुन के मिर्चा पे टमाटर ऐड कर दीजिए। नमक दिया था इसलिए इसको ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें हल्दी दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ में आए। धनिया पाउडर, मसाला को अब इसमें चिकन ऐड कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस ऐसे मैं दे सकूँ। अब कुछ देर के लिए इसको ढक दीजिए, 5-5 मिनट बाद इसको ढककर स्टेयर कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा ताकि मसाला नीचे से नहीं ना हो जाए। 5-5 मिनट बाद आप इसका ढक्कन हटा के अच्छे से मिला लीजिए, नीचे मसाला नीचे से ना जाए। आप इसमें ग्रेवी के जगह ग्रेवी में पानी भी दे सकते हैं और दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर दूध देंगे तो अच्छा है, और दूध नहीं भी चलेगा, इसकी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें दूध थोड़ा सा दूंगी और थोड़ा सा पानी। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसमें मैं अभी मिर्चा ऐड कर दूँगी। फ्राई होने के इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही अच्छा होता है।
जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मिक्सी में धो के उसके बाद उसका पानी लेके थोड़ा देर के थोड़ा हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ। देखिए अभी पूरा ऑयल निकल गया है। इसमें आप पानी ऐड कीजिए जो पानी मैंने गर्म किया था। अब उसको आप कुछ देर के लिए ढक दीजिए। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी अच्छी लगती है तो फिर थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं आप। आप इसको रोटी पराठा चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। 5 मिनट का मैं चेक कर ले रही हूँ उसको। हो गया चिकन। मैं इसमें गरम मसाला, और कस्तूरी मेथी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सर्व कर दिया मैंने, देखिए ये रेडी हो गया चिकन बनके। इसको मैंने पूरी के साथ सर्व किया है। आपको अगर आपको चावल के साथ खाना है, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी पूरा समझ में आए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।